अस्सलाम वालेकुम फेलोज, आई एम महपाड़ा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेट्स हैव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट फ्रॉम KLM। अच्छा, मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट फोर्थ वीक में स्टार्ट होती है, ठीक है। और फोर्थ वीक में क्या होता है, सबसे पहले मेमरी क्रेस्ट डिवेल्प होती है। मेमरी क्रेस्ट ये लाइन्स डिवेल्प होती हैं अलोंग ईच साइड ऑफ द बॉडी ऑन द दीज लाइन्स ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी ऑन वेंट्रल सर्फेस ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम एक्सिलरी रीजन टू द इंग्वाइनल रीजन तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। और ये जो क्रेस्ट होती हैं डिसअपियर हो जाती हैं जब फर्दर फ्यूचर में ब्रेस्ट डिवेलपमेंट होनी होती है, तो ये फर्दर जब ग्रोथ होती है ना तो ये डिसअपियर हो जाती हैं और सिर्फ उस रीजन में रहती हैं जहाँ पे डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होनी होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रिमेन्स ऑफ मेमरी क्रेस्ट। सबसे पहले मेमरी क्रेस्ट थी ऑन वेंट्रल सर्फेस ऑफ एम्ब्रियो, उसके बाद क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ मेमरी क्रेस्ट रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वीक में क्या हुआ, फोर्थ वीक से ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और मेमरी क्रेस्ट बन गई, और उसके बाद क्या हुआ, इसके रिमेन्स ऑफ मेमरी क्रेस्ट रह गए इन दैट रीजन इन विच ब्रेस्ट हैव टू डेवलप इन द फ्यूचर, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखने फिफ्थ वीक, फिफ्थ वीक में क्या होता है। सबसे पहले फिफ्थ वीक में होता है जी, ये प्राइमरी मेमरी बड्स, प्राइमरी मेमरी बड्स जो होते हैं वो डिवेल्प होते हैं। सिक्स्थ वीक में प्राइमरी मेमरी बड्स डिवेल्प होते हैं, और ये प्राइमरी मेमरी जो बड्स होते हैं ये क्या होते हैं, दिस वन इज एपिडर्मिस, ये एक मिनट, ये सारी है एपिडर्मिस, ये सारी एपिडर्मिस है, और ये मेसेनकाइम है। ये क्या होता है, एपिडर्मिस की मेसेनकाइम, ये मेसेनकाइम है, मेसेनकाइम के अंदर क्या होती है, इन्वोल्यूशन होती है, इसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी बड्स। उसके बाद क्या होता है, ये ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ये क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी बड्स बन जाते हैं। वो हार्मोन जो इसकी जो मेसेनकाइम से आते हैं और इसकी जो डिवेलपमेंट होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या है, वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है और इंड्यूसिव इन्फ्लुएंस होता है फ्रॉम मेसेनकाइम, ठीक है। हार्मोनल एक्शन की वजह से इसमें सेकेंडरी मेमोरी बड्स बन जाते हैं। उसके बाद ये जो सेकेंडरी मेमोरी बड्स हैं, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी बड्स बने थे ड्यू टू इन्वोल्यूशन ऑफ एपिडर्मिस इनटू द मेसेनकाइम, दिस वन पिंक इज मेसेनकाइम, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी बड्स बने। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी बड्स जो हैं वो और ज़्यादा इनकी ब्रांचेज होके ये क्या बन जाएंगे, और ज़्यादा इनकी ब्रांचेज होंगी और ये लैक्टिफेरस डक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं इनकी क्या होगी, कैनलाइजेशन, इनके अंदर केनाल्स बनेंगी, क्योंकि ये वो पोर्शन होता है जहाँ से मिल्क जो होता है वो निपल को सप्लाई होना होता है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, केनाल्स बनेंगे। वो केनाल्स कैसे बनेंगी, उसको उसके लिए यहाँ पे प्लेसेंटल सेक्स हॉर्मोन्स आएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसकी केनलाइजेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट्स कर देंगे, और बाकी क्या होता है, और भी हॉर्मोन्स होते हैं जो इसकी चेंजेस को, इसकी ब्रांचिंग को, लैक्टिफेरस डक्ट्स की ब्रांचेस को कंट्रोल करते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स होते हैं जो इसकी ब्रांचेस को कंट्रोल करते हैं, और इसमें कितना इसके पैरेन्काइमा में जो है फाइबरस मटेरियल और फैटी मटेरियल की डिपोजिशन होनी है, इसकी शेप वगैरह, वो भी यही तीन हॉर्मोन्स करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन। उसके बाद हमने देखना है लेट फीटल पीरियड। लेट फीटल पीरियड में क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस है ना, ये क्या है, ये ऊपर वाली लेयर, ये सारी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से ही आगे फिर लैक्टिफेरस डक्ट्स बनती हैं। अच्छा, ये जो एपिडर्मिस जो होती है एट द साइट ऑफ रीजन ऑफ मेमरी ग्लैंड बिकम डिप्रेस्ड, जहाँ पे मेमरी ग्लैंड बनना होता है वहाँ पे डिप्रेस्ड हो जाती है, इसे हम कहते हैं मेमरी पिट, ठीक है। मेमरी पिट होती है, और यहाँ पे जब प्रीनेटल पीरियड होता है तो ये जो निप्पल की पोजीशन होती है ये डिप्रेस्ड होती है, और ये निप्पल होता है सेंटर में, सेंटर में क्या होता है, सेंटर में निप्पल होता है, और अराउंड जो होता है ब्राउन पोर्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। ये बाकी एरियोलर पोर्शन ऑफ ब्रेस्ट बनेगा और ये क्या बनेगा, निप्पल बनेगा। अच्छा, ये जो निप्पल होता है ना, ये न्यू नेट्स जो होते हैं ना उनके अंदर डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इसकी क्या होती है, ये अपनी पोजीशन से राइज कर जाता है। पहले क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है एंड पुअरली डिवेल्प्ड होता है, उसके बाद ये राइज कर जाता है फ्रॉम मेमरी पिट्स। मेमरी पिट्स क्या है, दिस वन डिप्रेशन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। ये अपनी पोजीशन से क्या करता है, एलिवेट कर जाता है, राइज कर जाता है, ये देखें नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट में, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रीनेटल डेवलपमेंट में हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, वो हार्मोन्स आते कहाँ से हैं, वो मेटर्नल ब्लड सर्कुलेशन से थ्रू प्लेसेंटा
फीटल सर्कुलेशन में चले जाते हैं और फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और जो होता है रूडिमेंट्री मेमरी ग्लैंड होता है वो मेल और फीमेल दोनों में होता है, और एक सेक्रेशन सम पीपल में जो होता है सेक्रेशन प्रोड्यूस होती हैं जिसे गैलेक्टोरिया कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि गर्ल्स में अप टिल 19 ईयर्स फुल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोसट्रोमा एंड फैट्स डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाती है एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाती है। एंड लैक्टिफेरस ड्रग्स ऑफ बॉयज़ होती हैं वो क्या रहती हैं, रूडिमेंट्री रहती हैं, उनकी डिवेलपमेंट नहीं होती। अब हम ब्रीफ रिव्यू देते हैं क्लिनिकल्स का ब्रेस्ट से रिलेटेड, ब्रीफ रिव्यू जल्दी जल्दी में। गाइनेकोमेस्टिया क्या होता है, डिवेलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट्स या फिर ब्रेस्ट इन मेल मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेल्स में अगर डेवलपमेंट हो जाए तो उसे गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं, और ये मोस्टली होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, और जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए और एस्ट्राडियोल्स ज्यादा हो जाए, ठीक है। 40% ऑफ द बॉयज विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैव गाइनेकोमेस्टिया।